कहता हूं कि 100% आपको उस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के साथ रिजल्ट मिलने वाला है। और आपने अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए अगर आज जो कॉम्बिनेशन के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर वो प्रोडक्ट आपने किसी को दिए तो 100% उसको उससे स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वेबिनार की। आप सभी लोगों का स्वागत है कीवा काइको इंडस्ट्रीज की तरफ से। मैं प्रदीप सिंह राठौर आप सभी लोगों का आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले तो हमारे कीवा के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, कीवा की पूरी फैमिली का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के इस दिसंबर मंथ की शानदार क्लोजिंग के लिए और वर्ष 2022 की बेहतरीन शुरुआत करने के लिए आप सभी लोगों को हमारे कंपनी की तरफ से, हमारे एमडी डॉक्टर करण गोयल सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज का ये जो सेशन है वो फेसबुक के ऊपर लाइव भी है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर कोई व्यक्ति जूम पे हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहा है तो आप इस सेशन की जो लिंक है जो कि चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी है, उस लिंक को आप फेसबुक के माध्यम से भी अटेंड कर सकते हैं। और उस लिंक को आप दूसरे अपने मित्र, अपने टीम लीडर्स, अपने टीम मेंबर्स, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप सिंह राठौर, कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट विनर हूं। और सभी 209 पार्टिसिपेंट्स और फेसबुक लाइव के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हों, सभी लोगों का आज की इस मीटिंग के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टॉपिक जो है, जो आज का हमारा है, वो बहुत खास है कि आखिर 900 बीमारियों के ऊपर कीवा के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको अगर आपने किसी भी व्यक्ति को दे दिया तो 100% रिजल्ट आपको उन प्रोडक्ट से मिलने वाला है, यानी कि उन व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ उन प्रोडक्ट से 100% मिलने वाला है, और जो सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर हम लोगों को इन उत्पाद को या हम लोगों को आज इन परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी लोगों का जिंदगी का एक मकसद है, हम सभी लोग ये चाहते हैं। और आप लोगों ने ऐसा सुना भी होगा कि पुराने लोगों से ऐसी बात आपने सुनी होगी कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, यानी कि अगर आपके पास बेहतर स्वास्थ्य है, पैसा आपके पास थोड़ा कम भी है लेकिन अगर आपके पास स्वास्थ्य बेहतर है तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी वेल्थ है, तो आप जिंदगी में खुश रह सकते हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और इन तीनों चीजों को आज के समय में कमाना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है। यानी कि अगर हम लोग हेल्थ के पीछे भागते हैं तो हम पैसे को खर्च करते हैं, और पैसा कमाने के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, यानी कि पूरे तौर पर हम लोग हैप्पीनेस या पूरे तौर पर हम अपने आप को खुश नहीं मान पाते। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आज आपको खुश होना चाहिए कि आज हम ऐसे खास प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करने वाले हैं जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपको बेहतर स्वास्थ्य भी दे सकता है और बेहतर वेल्थ देने के लिए तो कीवा काइको का ये बिजनेस आप लोगों के साथ निरंतर पिछले 11 सालों से काम करता आ रहा है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। बहुत सारे लोगों के बीच ऐसा मानना है, लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से, यानी कि फिजिकली और मेंटली अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपने आप को मान सकते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम कंप्लीट हेल्दी अपने आप को मान लेते हैं। लेकिन ऐसा सोचना हमारे लिए बिल्कुल गलत है। बेहतर स्वास्थ्य किसको कहा जाता है कि अगर हम इमोशनली, भावनात्मक रूप से, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, सोशली, एनवायरमेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, अगर इन सभी रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम सिर्फ मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अगर हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन जिस वातावरण में हम रहते हैं अगर वो शुद्ध नहीं है तो हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते, हम अपने आप को बेहतर स्वास्थ्य वाला नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेहतर स्वास्थ्य हमें मिलता कैसे है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किन चार पिलर की जरूरत होती है। देखिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला पिलर होता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको संतुलित आहार, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इस चीज के बारे में
हर व्यक्ति को पता होना चाहिए और इसके बारे में स्वास्थ्य जागरूकता, बैलेंस डाइट के बारे में जागरूकता हमें लोगों को देनी भी चाहिए। अगला हम लोग बढ़ते हैं तो बात आती है डेली एक्सरसाइज। हर व्यक्ति को अगर वो अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है 10 से 15 मिनट उसको कम से कम 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज जो है वो जरूर करनी चाहिए अगर वो अपने आप को स्वस्थ रहना चाहता है। अगला है एडिक्वेट रेस्ट, यानी कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को तनाव मुक्त करना चाहते हैं तो 6 से 7 घंटे की रात्रि की एक अच्छी नींद का होना भी, एक अच्छे आराम का होना भी, बिना किसी डिस्टरबेंस के, शोर शराबे, मोबाइल, हॉर्न, नॉइज पोल्यूशन के डिस्टरबेंस के, एक बराबर नींद लेना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और चौथा है सब कुछ, कहते हैं ना अगर सब कुछ ठीक है लेकिन हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंडसेट है, अगर वो नकारात्मक है तो जिंदगी में सकारात्मक चीजें कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट होना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं कि इन चार चीजों का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है अगर आप अपने आप को सही मायने में स्वस्थ रखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य को कैसे अर्जित किया जाता है, स्वस्थ कैसे रहा जाता है। तो हमने चार पिलर के बारे में बात करी। हमने बात करी स्वस्थ रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब वो कौन करेगा? वो आप लोग करेंगे, मेरा काम है आपको बताना, मैंने आपको बता दिया, लेकिन करेंगे आप। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किसको रखना है? आपको रखना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, पॉजिटिव बहुत सारी मूवीज है जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी दूसरी तमाम चीजें हैं। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रह के अपने आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपका अच्छा रह सकता है, मेंटल एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रह सकता है। और तीसरा है एडिक्वेट रेस्ट, यानी कि ऊपर के जो तीन पिलर है, एक्सरसाइज करना, सकारात्मक सोच रखना और भरपूर आराम, एक आराम लेना, ये तीन चीजें आप लोगों को करनी है। लेकिन चौथा चीज है गुड न्यूट्रिशन, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जरूर बात कर सकते हैं। यानी कि अगर ये चार पिलर को आपने अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से अपना लिया तो आप ग्रीन कलर में देख पा रहे होंगे EARN, यानी कि आप जो है वो बेहतर स्वास्थ्य को क्या कर सकते हो, अर्न का मतलब होता है कमाना, यानी कि आप बेहतर स्वास्थ्य को कमा सकते हो। डियर फ्रेंड्स, बेहतर स्वास्थ्य किसी दुकान पे नहीं मिलता है कि आपने 30 साल 35 साल 40 साल अपनी उम्र के लापरवाही में निकाल दिया और आप सोचो कि 1-2 साल में मैं बेहतर स्वास्थ्य अर्जित कर लूं, ऐसा नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य को हर दिन कमाना पड़ता है और पूरी जिंदगी कमाना पड़ता है। तो इसीलिए तीन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एक सकारात्मक सोच रखिए, भरपूर आराम कीजिए कम से कम 6 से 7 घंटे रात को, और गुड न्यूट्रिशन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इन सारी चीजों के बारे में मैं और कीवा इंडस्ट्रीज आप लोगों की जरूर मदद कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं गुड न्यूट्रिशन। कहते हैं ना पोषक तत्व, पोषक तत्व हमें किससे मिलते हैं? वो मिलते हैं संतुलित आहार से। दो तरीके के आहार इस फोटो में आपको दिख रहे हैं, इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। एक तरफ आपको दिख रहे हैं चाइनीज फूड, जंक फूड, और दूसरी तरफ आपको मिल रहे हैं हेल्दी फूड, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डियर फ्रेंड्स, बैलेंस्ड डाइट, सिर्फ पेट भरना मतलब संतुलित आहार नहीं है। 3 टाइम भोजन करना मतलब संतुलित आहार नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, लंच भी करता हूँ, डिनर भी करता हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि जो 3 टाइम आप भोजन ले रहे हैं वो संतुलित आहार है। संतुलित आहार का मतलब होता है ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे पोषक तत्व, जितने भी न्यूट्रिशन हैं, वो राइट क्वांटिटी में उपलब्ध हो, यानी कि सारी चीज बैलेंस्ड हो, सारी चीजें सही मात्रा में उपस्थित हो। कोई भी ऐसा नहीं हो कि 2 चीज है 3 चीज नहीं है, सारी चीजें सही मात्रा में उपस्थित हो, उस भोजन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो आप सभी को अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप सभी को बैलेंस्ड डाइट लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना, बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है, कितना आप लोगों को खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी बीमार ना पड़े, आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जल्दी ना घेरें, आप स्वस्थ रहें, आप दवाइयों से दूर रहें, आप इलाज से दूर रहें, आप इलाज से अगर बचना चाहते हैं तो एक WHO का सर्टिफाइड फूड पिरामिड, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि एक स्वस्थ आदमी को दिन में कितनी बार और क्या क्या खाना चाहिए, इस फूड पिरामिड के थ्रू आप समझ सकते हैं। सबसे नीचे आप लोग देखेंगे 6 से 11 सर्विंग, यानी कि WHO का कहना है
कि अगर आप बीमारी मुक्त रहना चाहते हो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो 6 से 11 बार आपको रोजाना कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, अनाज खाना चाहिए, ब्रेड खाना चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 6 से 11 बार सर्विंग, 6 से 11 सर्विंग लेनी चाहिए। अगला है मिनरल्स। मिनरल्स हमें 3 से 5 सर्विंग हमें मिनरल्स की लेनी चाहिए जो कि ताजे फल और सब्जियों से हमें मिलती है। 2 से 3 सर्विंग किसकी लेनी चाहिए? प्रोटीन की मिलनी चाहिए जो मीट, दूध, अंडे इनसे मिलते हैं। एसेंशियल फैट्स यानी कि गुड फैट लेनी चाहिए, जरूरी वसा हमें लेनी चाहिए 1 से 2 सर्विंग। और उसके अलावा बात है 3 से 5 सर्विंग हमको किसकी लेनी चाहिए? विटामिन की लेनी चाहिए। यानी कि WHO का कहना है कि हमें अलग अलग टाइम पे इतनी बार अलग अलग चीजों की सर्विंग, अलग अलग चीजों की हमारे शरीर को जरूरत है, जिन चीजों का सेवन हम लोगों को करना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये जस्ट 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 अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैट बॉक्स में जो मैसेज है उसको ध्यान से पढ़ा। मैं सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज जिनका भी वीडियो ऑन है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन और इस मीटिंग की डिग्निटी का ध्यान रखें। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया गया कि जो जिसने वीडियो ऑन कर रखा है लेकिन वो प्रॉपर ड्रेस के अंदर, टी शर्ट शर्ट के अंदर अगर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कृपया मर्यादा के अंदर रहें, मर्यादा का पालन करें। अगर किसी व्यक्ति का वीडियो ऑन है तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि आप प्रॉपर शर्ट, टी शर्ट या आपने कुछ ना कुछ कपड़ा जरूर पहना हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। इस चीज का विशेष ध्यान आप रखें, बिना किसी अनाउंस किए हम उनको तुरंत मीटिंग से रिमूव कर देंगे। प्लीज होस्ट इस चीज का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो बंद ही कर दें ताकि मीटिंग बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम लोग सुन चुके हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज सारे वीडियो ऑफ कर दें। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करने चाहेंगे कि किस तरीके से हम बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो किन किन चीजों को हमारे शरीर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर WHO का कहना है कि 6 से 11 सर्विंग कार्बोहाइड्रेट, 3 से 5 सर्विंग मिनरल्स की हमें 2 से 3 बार दिन में प्रोटीन लेना चाहिए, 1 से 2 बार हमें एसेंशियल फैट्स लेना चाहिए, 3 से 5 सर्विंग हमें विटामिन की लेनी चाहिए। यानी कि WHO ने बताया कि अगर आप बीमारी से मुक्त रहना चाहते हो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर आप इलाज, दवाई, डॉक्टर के पास जाने से बचना चाहते हो, तो आपको इतने टाइम और इतना इतना भोजन आपको अलग अलग समय पे खाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? अगर मैं आप लोगों से कहूँ क्या दिन में आप 3 से 5 बार अलग अलग तरीके के फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या दिन में 2 से 3 बार प्रोटीन का ध्यान आप लोग रख सकते हैं, क्या इस भागदौड़ भरी लाइफ में दिन में 6 से 11 बार आप ब्रेड, रोटी, 6 से 11 बार आप अलग अलग समय पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जरूरी मात्रा में क्या आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए प्लीज। क्या अगर हम स्वस्थ रहना भी चाहें, हम लोग ये ठान लें कि हम लोग स्वस्थ रहना भी चाहते हैं, हम लोग हेल्दी रहना भी चाहते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते हैं, हम लोग कहते ना हम लोग बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो क्या चाह कर भी हम इस डाइट चार्ट को या बैलेंस न्यूट्रिशन के इस पिरामिड को, फूड पिरामिड को क्या हम लोग फॉलो कर सकते हैं? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और सभी लोगों का जवाब आ रहा है नो। यानी कि आप लोग ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर हमें ये पता भी चल जाए कि स्वस्थ कैसे रहा जाएगा और क्या क्या चीजें उसके लिए खानी चाहिए, तो भी हम लोग इस डाइट चार्ट का, इस फूड पिरामिड का, इस बैलेंस न्यूट्रिशन पिरामिड का हम लोग जो है फॉलो इसको नहीं कर सकते। और अक्सर होता भी यही है, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो हमारे साथ होता भी है, ये न्यूट्रिशन गैप हमारी जिंदगी में आ जाता है। कभी प्रोटीन कम लेते हैं, कभी एसेंशियल फैट्स कम होता है, कभी विटामिन कम लेते हैं, और ये सारी कमी, ये सारा गैप, ये सारी चीजों की कमी, ये न्यूट्रिशन की कमी आगे जाकर कुछ ना कुछ गंभीर समस्याएं हमारी जिंदगी में पैदा कर देती हैं। सवाल ये उठता है किन किन चीजों को हमारे शरीर की जरूरत है, किन किन चीजों का सेवन हमें करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने इसको 3 अलग अलग समूह में बांटा है। हम इसको अगर समझेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि हमारे शरीर को किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहला आप लोग देख रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपोषक तत्व।
जिनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में जरूरत होती है वो चाहिए प्रोटीन, हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए एसेंशियल फैटी एसिड्स, ज्यादा मात्रा में चाहिए फाइबर, ज्यादा मात्रा में चाहिए। सेकंड है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे मोबाइल के अंदर सिम होता है, बहुत छोटी होती है लेकिन जरूरी बहुत होती है, इसी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में हमें चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं लेकिन जरूरी बहुत होते हैं। और तीसरा है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पौधों सब्जियों में पाए जाने वाला एक ऐसा खास गुण जो कि हमारे शरीर को फ्री रेडिकल अटैक से बचाता है और विटामिन और मिनरल्स के अवशोषण को सही शरीर में सुनिश्चित करता है ताकि वो शरीर में सही तरीके से काम कर सके। इन तीन चीजों की हमारे शरीर को अत्यधिक मात्रा में जरूरत होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए, तीसरा है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी कि लगभग हमारे शरीर को टोटल 45 तरीके के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जो कि हमें इन चीजों से मिलते हैं। 13 तरीके की विटामिन हमें लेनी चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हमें लेना चाहिए, 1 तरीके का फैट होना चाहिए, 18 तरीके के मिनरल्स होने चाहिए, 10 तरीके के अमीनो एसिड्स होने चाहिए, 1 प्रोटीन होना चाहिए और पानी होना चाहिए, यानी कि टोटल 45 तरीके का। अगर मैं इसको थोड़ा सा और गहराई में देखूं तो लगभग 45 तरीके के रोजमर्रा में हमें पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जिसको हम अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें इन चीजों को लेना चाहिए, क्योंकि फूड इज फ्यूल, भोजन जो होता है जैसे गाड़ी के अंदर फ्यूल पेट्रोल डीजल हम लोग डालते हैं, उसी तरीके से फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल का काम करता है। फ्यूल की क्वालिटी और क्वांटिटी जितनी सही होगी उतनी हमारी गाड़ी जो है वो अच्छा चलेगी। इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर भी फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी जितनी सही होगी उतनी आपकी ये बॉडी जो है, बॉडी रूपी जो गाड़ी है वो बेहतर चलेगी और बिना किसी सर्विस के और बिना किसी रुकावट के और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ ही आपका बेहतर परफॉर्म करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझना चाहिए कि 45 तरीके के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रोजमर्रा में हमें चाहिए। लेकिन हकीकत यह है, क्या हम रोजाना ऐसा जो भी चीजें मैंने आपको बताई, क्या रोजाना हमारे भोजन के अंदर वो चीजें शामिल हैं, क्या रोजमर्रा में हम वो सारी चीजें ले पाते हैं? तो जवाब आता है नहीं। और यही वजह है कि पहले 20th सेंचुरी के अंदर हमें जो बीमारियां देखने को मिलती थी, चाहे हम मलेरिया की बात करें, चाहे ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बात करें, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग है, फ्लू है, जितनी भी बीमारियों की हम बात करें जो 20वीं शताब्दी में होती थी, वो सारी बीमारियां होती थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, ये सारी महामारी बीमारियां किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती थी जो समय पे बड़ी मानी गई थी। लेकिन आज के समय में मलेरिया बहुत छोटी बीमारी रह गया, टीबी भी लाइलाज नहीं है, इलाज है उसका, प्लेग है, फ्लू है, ये सारी चीजें क्या है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स है, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस की वजह से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली बीमारियां आज इलाज वाली बीमारियां, इसको लोग बहुत हल्का लेते हैं। लेकिन अब जो वक्त है वो बिल्कुल बदल गया है। आज हम 21वीं शताब्दी की अगर बात करें, 21वीं सदी की बात करें, आज हमें जो बीमारियां देखने को मिलती हैं वो ना तो किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, ना किसी फंगस की वजह से होती है, यानी उनके लिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार नहीं होता है। वो बीमारियां जो होती हैं, वो होती हैं द वे वी लिव, जिस तरीके से हम रहते हैं उस तरीके तौर तरीके पे वो बीमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी कि क्या डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रोक हो गया, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं वो क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। हम क्या खाते हैं, हम किस माहौल में रहते हैं, हम किस हवा में सांस लेते हैं, हमारा रूटीन क्या है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, ये लाइफ स्टाइल हमारी दिनचर्या की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। और इनके लिए कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिम्मेदार नहीं है। आखिर इनके लिए क्या जिम्मेदार है, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए क्या जिम्मेदार है समझना चाहेंगे कि पुराने समय के जो लोग थे वो उनका लिव जो था वो लॉन्ग हुआ करता था, वो जिंदगी ज्यादा जिया करते थे।
लेकिन उनका जो डाइंग पीरियड था वो शॉर्ट हुआ करता था, यानी कि जीते तो बहुत ज्यादा थे और महज 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में लोगों की डेथ हो जाया करती थी, लेकिन आज का जो समय है उसमें लिविंग तो हो गया है शॉर्ट, यानी जिंदगी का मजा हम कम समय ले पाते हैं, 30 साल तक की जिंदगी का मजा ले पाते हैं, और 30 साल के बाद किसी को बीपी का प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम, किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम, किसी को कैंसर की समस्या, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को हाइपर एसिडिटी, इतनी तमाम तरीके की चीजें, और जब तक हम लोग जीते हैं 30 साल के बाद, अगर हम लोग 60 साल जीते तो 30 साल का जो हमारा पीरियड होता है वो डाइंग हमारी लॉन्ग हो जाती है, इलाज कराते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, और इसीलिए आज का जो जीवन है वो बहुत कष्टकारी हो गया है, और हमारे लिए ये बहुत ही चिंताजनक है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सके और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रह सके। और ऐसा कहा गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा WHO का कहना है कि डिजीज ड्यू टू इंटरनल रीजन, आंतरिक कारणों की वजह से, आप क्या खाते हैं, आप कैसे रहते हैं, आपका रूटीन क्या है डेली, आपकी दिनचर्या क्या है, इसकी वजह से 80-90% डिजीज होती है। 80-90% जो प्रॉब्लम है वो आपके भोजन के अंदर है, 80-90% जो प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है, और एक्सटर्नल रीजन की वजह से 10-20% प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल रीजन की वजह से थी, लेकिन बाकी की समस्याएं किसकी वजह से है, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से है, इंटरनल कमी की वजह से, आंतरिक कमी की वजह से ये सारी समस्याएं आज हमें देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, हम बीमार उसी को मानते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हम सोचते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो बीमार है, बाकी जितने लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये सारे के सारे स्वस्थ हैं। ऐसा मानना मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्या कह रही है, पीपल आर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में उसने लोगों को डिवाइड किया। सबसे पहले हेल्थ स्टेट, जो लोग स्वस्थ हैं कितने परसेंट है इंडिया के अंदर, 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पे वातावरण शुद्ध है, ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसके अंदर ज्यादा मिलावट नहीं है, ज्यादा केमिकल नहीं है, उनकी दिनचर्या अच्छी है, ले लद्दाख कश्मीर और उधर ऐसी जगहों पर रहने वाले, हिमाचल साइड रहने वाले ऐसे लोग स्वस्थ हैं। डिजीज स्टेट 20%, 20% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो बीमार हैं, कहां मिल जाएंगे वो लोग, किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पैड लेके घूम रहे होंगे, ऐसे लोग क्या है, बीमार है। बाकी के जो 75% लोग हैं, जो हम और आप बैठे हुए हैं, जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग बीच में हैं, ना तो ये स्वस्थ हैं, ना ही ये बीमार हैं, ये सब हेल्थ स्टेट के लोग हैं, यानी कि ना स्वस्थ हैं, ना बीमार हैं, इसीलिए बीच में ये लोग हैं, इसीलिए यानी कि स्वस्थ भी नहीं है लेकिन बीमार भी नहीं है, लेकिन बीमारी की तरफ अग्रसर है, बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी संख्या इंडिया में 75% है, 75% लोग जो हमारे जैसे हैं वो सब स्टेट के अंदर है, ना तो स्वस्थ हैं, ना बीमार हैं, लेकिन बीमारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, आज नहीं तो 3 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद, 8 साल बाद, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से हम में से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर ग्रसित होगा, ये गारंटेड है, ये कंफर्म है, मैं श्योरिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ यहां पर कह सकता हूं। अब सवाल ये उठता है सॉल्यूशन क्या है, सवाल ये उठता है, परेशानी की बात तो हमने कर ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि हमें रोजमर्रा में क्या लेना चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है, लेकिन चाह कर भी हमारा जो भोजन है उसके अंदर इन सारी चीजों को हम लोग एक साथ शामिल नहीं कर सकते, ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। हम कोई ऐसा भोजन नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है, ना ही हमारे पास इतना समय है कि हमारे पास, ना ही हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, ना ही हम फाइनेंशियली इतने, हमारा कहते हैं हमारा इतना मजबूत है हम कि इतनी सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके अपने भोजन को, क्योंकि भोजन की जो कहते हैं ना, भोजन का जो खर्च है वो हमारा बढ़ जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम चाह कर भी इन सारी चीजों को बैलेंस्ड करके अपनी डाइट के अंदर, भोजन के अंदर शामिल, भोजन की थाली के अंदर शामिल नहीं कर सकते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस करके बताइए। हमारे साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि हम चाह कर भी, पता हमें है क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए,
लेकिन चाह कर भी समय की कमी है, पैसे की कमी है, सीरियस नहीं है, या खुद से प्यार नहीं करते, अपने स्वास्थ्य से प्यार नहीं करते, या चिंतित नहीं है, या बिजी बहुत है, कोई ना कोई कारण हो सकता है कि जानने के बावजूद भी हम अपने भोजन की थाली में उन सारी चीजों को शामिल नहीं कर सकते जो हमें शामिल करनी चाहिए, जो हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी और जो हमें बीमार होने से बचा सकती है। अब सवाल ये उठता है सॉल्यूशन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, विटामिन और मिनरल्स हम लोगों के लिए अगर इनको हम अपने भोजन के अंदर शामिल कर लें तो हमारी बॉडी के जो भी वाइटल फंक्शंस है वो सही तरीके से काम करते हैं और इनकी डेली रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। WHO का कहना है, ईट 5 to 9 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डेली। अगर आप विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति अपने शरीर में करना चाहते हैं तो 5 से 9 बार पूरे दिन में, 5 से 9 बार अलग अलग कलर, यहाँ पे कलर अलग अलग दिख रहे होंगे ना, अलग अलग कलर के फल सब्जियों का सेवन आपको रोजमर्रा में करना चाहिए, रोजाना के अंदर करना चाहिए। यही वजह है कि हम लोग इन अलग अलग कलर के फलों का, अलग अलग तरीके के सब्जियों का रोजाना 5 से 9 बार सेवन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, समय की व्यस्तता के चलते, पैसों के अभाव के चलते, जागरूकता के चलते। यही वजह है कि आज बहुत सारी बीमारियों के हम लोग शिकार हो रहे हैं, या हमारी फैमिली में कोई ना कोई बीमारियों का शिकार हो रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप तो सही संतुलित आहार और फल खा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर मैं एक एप्पल डेली खा लेता हूँ, दो बनाना खा लेता हूँ, तो सोच रहे हैं कि मैं सारे विटामिन और मिनरल्स हमें मिल रहे हैं। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तो सही संतुलित आहार फल रोजाना खा रहे हैं तो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि वो भी आपके लिए वो सारे पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराते हैं जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता है। मैंने आपको 45 एसेंशियल न्यूट्रिशन बताए जो कि आपको नहीं मिल पाते हैं डेली में, और कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग फसल के ऊपर, फल के ऊपर, सब्जी के ऊपर, उनको पकाने के लिए ज्यादा चीजों का, केमिकल का इस्तेमाल, तो आवश्यक पोषक तत्व तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और जो हमें मिलता है वो चीज सिर्फ हमें पेट भरने के लिए मिल रही है, हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ उससे बहुत कम देखने को मिल रहा है। सवाल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, कीवा इंडस्ट्रीज आप लोगों के लिए एज ए सॉल्यूशन ये 3 प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ऐसे लेकर के आई है, और मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स की मैंने अभी तक बात करी और आगे भी मैं आपसे करने वाला हूं, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपने कीवा के 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन किसी को दे दिया, मैं कहूंगा 100% रिजल्ट उसको आने वाले हैं। और एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, सभी लीडर ध्यान से सुने, एक चीज और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि अगर रिजल्ट ना आए, ये भी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर रिजल्ट ना आए और प्रोडक्ट को लेने से पहले आपने कोई चेकअप करा रखा है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, और प्रोडक्ट 2-3-4 महीने लेने के बाद आपने चेकअप कराया लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कोई भी परिवर्तन रिपोर्ट्स के अंदर देखने को नहीं मिला, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कीवा आपको मनी बैक गारंटी भी उन प्रोडक्ट्स का दे रही है। उस कंडीशन में अगर आप ये साबित कर देते हैं कि उत्पाद को लेने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी कि इतने गारंटेड, इतनी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि 3 ये ऐसे प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने आपको पूरा पूरा एक बेसिक बता दिया कि शरीर को कैसे कैसे चीजों की जरूरत है, विटामिन मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, और एक तरीके से हमें ये एक तीसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है अकाई जूस, यानी कि कीवा डेली प्लस जो हमारा टैबलेट है ये है मल्टी विटामिन, KAMD कीवा एशियन मिनरल ड्रॉप ये है मल्टी मिनरल, और एक है कीवा अकाई जूस जो है एक हाई एंटीऑक्सीडेंट, और भी बहुत सारी चीजें सपोर्ट में इसके साथ हैं, यानी कि 3 चीजों का ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आप अगर किसी को दे देते हैं 100% रिजल्ट इस प्रोडक्ट के हमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से जानते हैं ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और इनके क्या फायदे होते हैं और किस तरीके की चीजों से मिलकर ये प्रोडक्ट हमारे लिए बने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कीवा डेली प्लस के बारे में। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली प्लस किस तरीके से हम लोगों के लिए बनाया है, और कीवा इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं वो हलाल, कौशर, GMP, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो क्या इन प्रोडक्ट के अंदर चीजें डाली गई हैं और किन इंग्रीडियंट से ये प्रोडक्ट बने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी आसानी से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि कीवा डेली प्लस के अंदर हमारी दैनिक आवश्यकता के लिए 20 सब्जियों का मिश्रण इसके अंदर शामिल किया गया है,
लगभग 22 फलों का मिश्रण इसके अंदर शामिल किया गया है, 9 सुपर बेरीज इसके अंदर है और लगभग 29 इंटरनेशनल जो जड़ी बूटियों का युक्त मिश्रण इस प्रोडक्ट के अंदर है। इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी अतिरिक्त कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला गया है, टेस्ट के लिए कोई भी चीज ऐड नहीं करी गई है, कोई भी मिठास के लिए कोई भी स्वीटनर खट्टी मीठी चीज इसके लिए ऐड नहीं की गई है, कोई भी प्रिजर्वेटर इसके अंदर ऐड नहीं किया गया, कोई भी चीनी वगैरह इसके अंदर शामिल नहीं की गई है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही एकदम बिल्कुल प्योर नेचुरल आपको ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगर विटामिन की हमारे शरीर में कमी होगी तो देखिए किस तरीके की समस्याएं हमें हो सकती है। सबसे पहले फटीग का प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना एक नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को परेशान रहते हैं, चिंता रहती है ना, स्ट्रेस में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया इस चार्ट के अंदर कि उनके अंदर विटामिन B1 और विटामिन B12 यानी विटामिन बी की कमी से समस्या होती है। अगर हम लोग बात करें डर्मेटाइटिस की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विटामिन B2, B3, B6 यानी स्किन प्रॉब्लम यहाँ पे आपको विटामिन बी की वजह से आपको देखने को मिलती है। सोटंग यानी कि बहुत सारे लोगों के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तो विटामिन B12, विटामिन B2, B3 की वजह से ये समस्या। माउथ अल्सर की समस्या भी विटामिन बी की वजह से है। हेयर लॉस की समस्या है, बिटल नेल की समस्या है, मसल्स पेन क्रैम्स मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, ऐंठन की समस्या है तो विटामिन डी की वजह से ये समस्या हमें होती है। पुअर नाइट विजन, बहुत सारे लोगों को रात को जो है अच्छे तरीके से नहीं दिखता है, साफ नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है तो विटामिन ए की समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। डायरिया की समस्या विटामिन B3 की वजह से है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इसके अलावा रेस्टलेस लेग्स है हमारे, डिप्रेशन की समस्या, ये सारी की सारी समस्या जितने भी ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पुअर कॉन्सेंट्रेशन की समस्या, एकाग्र नहीं होते, बार बार भटक रहे हैं लोग, 2 मिनट ये काम किया फिर दिमाग मतलब एक चीज पे एकाग्र नहीं रह पा रहे, इन सारी समस्याओं के पीछे जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है विटामिन, यानी कि विटामिन की कमी से इतनी सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रोजमर्रा में हम ये तय करें कि ठीक है विटामिन बी भी लूंगा, विटामिन ए भी लूंगा, विटामिन डी भी लूंगा, विटामिन के भी लूंगा, तो पता नहीं हमें कितने अलग अलग तरीकों के फल और सब्जियों का सेवन करना पड़े, जो कि हमारे लिए एक्स्ट्रा खर्चा भी है, जो कि हमारे लिए समय का एक्स्ट्रा लगाना भी है, इतनी सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन कीवा इंडस्ट्रीज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर और शानदार प्रोडक्ट आप लोगों के बीच लेकर के आया जिसका नाम है कीवा डेली प्लस। डियर फ्रेंड्स, कीवा डेली प्लस का जो एक टेबलेट है उसके अंदर 800 mg यानी कि 80 जड़ी बूटियां हैं 10 mg के हिसाब से, यानी कि 80 जड़ी बूटी का पर 10 mg के हिसाब से 800 mg का एक टेबलेट यहाँ पर आपको मिल रहा है। और इतने सारे जो अलग अलग तरीके के नाम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब 80 नाम मेरे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने तरीके की जड़ी बूटियां फ्रूट्स सब्जियां उनसे विटामिन लेकर के इस मल्टी विटामिन का निर्माण जो है इस मल्टी विटामिन को आप लोगों के लिए बना करके तैयार किया गया है। कीवा डेली प्लस की सलाह हम लोग आपको क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं कि इसके अंदर आपको आवश्यक विटामिन मिल जाती है, फाइबर प्रोटीन अमीनो एसिड्स फैटी एसिड्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक हम लोग भागते हैं, काम कर रहे हैं, हमारी दौड़ भाग है, ब्रेकफास्ट का समय नहीं मिला, कई बार लंच नहीं कर पाते हैं, अनहेल्दी फूड हम लोग खाते हैं, कुछ लोग धूम्रपान शराब का सेवन भी करते हैं, प्रोसेस्ड फूड हम लोग खाते हैं, बर्गर खा लिया, दूसरी तमाम चीजें खा ली, पेटीज खा ली, तो ये इस तरीके की चीजों का जब हम लोग सेवन करते हैं जिसमें हम संतुलित आहार नहीं ले पाते, ऐसे समय पे हर व्यक्ति को इस प्रोडक्ट को जरूर चुनना चाहिए, इस प्रोडक्ट का सेवन जरूर करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमें ये तय करना है कि हम ईट हार्ड कर सकते हैं, ईट स्मार्ट कर सकते हैं। रोजाना कहते हैं ना 10 एप्रिकोट खाना, 1 ऑरेंज लेना, 100 कप दही में जितना विटामिन डी है, 1 कप 1 ऑरेंज में जितना विटामिन सी है, 85 ग्राम बादाम के अंदर जितना विटामिन ई है, 9 कप राइस के अंदर जितना विटामिन B1 है, इसके अलावा 30 अंडों के अंदर जितना बायोटीन है, इतनी अलग अलग चीजों के अंदर जो पोषक तत्व जो विटामिन हमें मिल रहे हैं वो हमें कीवा डेली प्लस की एक टैबलेट से मिल जाते हैं। आप खुद ये बताइए आपको ईट हार्ड होना चाहिए या ईट स्मार्ट होना चाहिए। इतनी सारी चीजें खाना सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए ज्यादा आसान है या कीवा डेली प्लस की एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को सेवन करना आपके लिए आसान है। दोनों में से इजी क्या है, डेली प्लस
या इतना सारा भोजन करना। ए मतलब डेली प्लस लेना आपके लिए आसान है, बी मतलब इतना सारा चीजों अलग अलग समय पे खाना और इतनी सारी चीजों का सेवन करना आपके लिए, दोनों में से क्या आसान है? डेली प्लस लेना आसान है तो आप ए जवाब मुझे दे सकते हैं, और अगर आपको बी ज्यादा आसान लगता है, आप बिल्कुल फ्री हैं, 24 घंटे आपके पास समय ही समय है और आप इतनी चीजों का सेवन कर सकते हैं, इतना पैसा अगर आपके पास है, तो आपका जवाब बी भी हो सकता है। क्या बात है, लगभग मेरे पास 50 से 60 लोगों के रिप्लाई आए हैं लेकिन एक का भी जवाब बी नहीं है, यानी कि आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग ये बहुत बेहतर तरीके से मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि कोई भी व्यक्ति इवन मैं भी इस सेकंड ऑप्शन पे तो मैं भी जाना नहीं चाहूंगा, मेरे लिए पास भी इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इतनी सारी चीजों का सेवन कर सके, हर किसी के लिए आसान है कीवर्ड डेली प्लस लेना। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आप समझ गए होंगे कि इस प्रोडक्ट की आज हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि मल्टीविटामिन। अब इसके क्या क्या और स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं मैं आपको बता सकता हूं। विटामिन की वजह से हमारे जो कहते हैं ना ब्लड का सर्कुलेशन है वो आराम से होता है हमारे शरीर के अंदर, यानी कि हमारे कार्डियो हमारे हृदय संबंधी समस्याओं में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। फ्री रेडिकल के आक्रमण से बचाता है और हमारी सेल्स को कोशिकाओं को मजबूत करने का काम करता है। सभी उम्र के लोगों के लिए ओवरऑल पोषण देने का काम करता है। मल्टी विटामिन इसके अंदर सारी विटामिन है, 80 से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जड़ी बूटियां इसके अंदर है, तो बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हमें मिलते हैं। चयापचय को बढ़ाता है, हमारी पाचन शक्ति यानी पूरी पाचन प्रणाली को बेहतर रखता है। भूख को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है, इसके अलावा बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करता है और पाचन तंत्र को सही रखता है। जब पाचन सही हो जाएगा, कार्डियो की सुरक्षा ये करेगा, तो हमारा बीपी का प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल को भी सामान्य रखने का काम करता है। दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने का भी काम करता है। मल्टी विटामिन है तो ओवरऑल इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेगा, तो कोरोना जैसी समस्या के अंदर भी इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। पाचन एवं संचार प्रणाली को, दिमाग से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो मैसेज पहुंचते हैं, कोई चीज गर्म हम छूते हैं तो मैसेज दिमाग से आता है ये गर्म है, तो हाथ अट जाता है, ये जो संचार प्रणाली है इसको सही रखता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा, और दिमाग को सक्रिय बनाने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाड़ियों में खून के जमाव को रोकता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, थकान को कम करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रोडक्ट को लेना हमारे लिए सेफ है? मैं कहता हूं बिल्कुल सेफ है, क्योंकि 100% प्राकृतिक है, इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल टेस्ट नहीं है, कोई भी स्वीटनर नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव इसके अंदर ऐड नहीं है, कोई चीनी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वही चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत से बताया, और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मल्टी विटामिन है और 100% कहते हैं ना आर्टिफिशियल चीजों से नहीं बना है, 100% नेचुरल सोर्सेज से ये बना है, तो कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। लेना कितना है? एक एक टैबलेट सुबह शाम, आप भोजन से आधा घंटे पहले इसका सेवन आप कर सकते हैं, सुबह शाम आप इसका सेवन कीजिए और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है मल्टी विटामिन की। डियर फ्रेंड्स, अगले प्रोडक्ट पे हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स, मिनरल आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सूक्ष्म जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कम मात्रा में चाहिए लेकिन जरूरी बहुत है। मिनरल्स जो होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ और रोगों से मुक्त रखने के लिए, हमारे शरीर को मिनरल्स की जरूरत होती है। कुछ कम मात्रा में चाहिए होते हैं, कुछ थोड़े से ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तुलना में हमें कम चाहिए होते हैं, यानी कि मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल की जो बिजी लाइफ स्टाइल है ना, फास्ट फूड, फसलों के अंदर अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल, स्वास्थ्य के प्रति हम जो लापरवाह हैं, इससे हमारे शरीर को वो सारे मिनरल्स नहीं मिल पाते जो हमारे शरीर के लिए रोजाना के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो मिनरल्स हमें नहीं मिल पाते। और यही वजह है कि मिनरल की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। और अगर मिनरल की सही मात्रा हमें नहीं मिल पाती है तो कई तरीके के प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले बात बताता हूं, डॉक्टर कैरोलिन जो एमडी हैं, एनडी हैं, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मिनरल की कमी कई बीमारियों का कारण बन सकती है, चिंता, घबराहट, डिटॉक्सिफिकेशन, शुगर, थकान, हृदय रोग, रक्तचाप, इतनी सारी अनिद्रा, गुर्दा रोग, कलेजे के रोग, सरदर्द, मांसपेशियां, तमाम तरीके की बीमारियों का कारण बन सकती है। बड़े डॉक्टर्स और बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर कैरोलिन, इन्होंने इसके बारे में कहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से मिनरल्स की वजह से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं लिखी हुई है।
यहां पे लिखा हुआ है मिनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स, बहुत सारे मिनरल्स दिए गए हैं और उसके आगे बीमारियों का नाम दिया गया। सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं क्रैम्प्स, मांसपेशियों में जकड़न या ऐठन। कई बार हम कई देर तक बैठ जाते हैं और मांसपेशियां अकड़ जाती है, एकदम पैर टाइट हो जाता है, तो उसको हम क्रैम्प्स का प्रॉब्लम बोलते हैं। सोते सोते एक करवट अगर सो लिए तो सुबह तक गर्दन अकड़ जाती है। तो क्रैम्प्स की जो समस्या है ये कैल्शियम और सोडियम की वजह से होती है। इसके लिए दो मिनरल जिम्मेदार होते हैं, कैल्शियम और सोडियम। डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, इसके लिए कैल्शियम और सोडियम। डायबिटीज, क्रोमियम, वेनेडियम और जिंक की वजह से हम डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन संबंधी समस्याओं का होना, क्लोरीन, क्रोमियम और जिंक की वजह से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। एक्जिमा, त्वचा रोग जिसको हम बोलते हैं एक्जिमा, जिंक की वजह से। गोइटर, कहते हैं ना गलगंड रोग जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग, जो आयोडीन की कमी से होता है। हेयर लॉस, बालों का झड़ना कॉपर और जिंक की वजह से। ग्रेइंग हेयर, बालों के कलर का बदल जाना कॉपर की कमी से। हाइपर एसिडिटी, एसिड का बहुत ज्यादा बनना क्लोरीन, जिंक, मैग्नीशियम और लिथियम की वजह से। वीक इम्यून सिस्टम, बार बार बीमार पड़ना, सर्दी आई तो बीमार, गर्मी आई तो बीमार, बारिश आया तो कोई प्रॉब्लम हो गया, मतलब साल में 6 महीने लोग बीमार वीक इम्यून सिस्टम की वजह से। क्यों? क्योंकि जिंक, सेलेनियम और क्रोमियम की डेफिशिएंसी है। इंपोर्टेंस, गुप्त रोग, यौन संबंधी समस्याएं, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, क्रोमियम की वजह से। एक्ने, त्वचा संबंधी रोग, पिंपल्स जिसको हम बोलते हैं एक्ने पिंपल्स, कील, मुहासे, जिंक और सल्फर की वजह से। एनीमिया, खून की कमी, आयरन और सेलेनियम की वजह से। ऑर्थराइटिस, हड्डियों संबंधी समस्याएं जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, पोटेशियम की कमी से। अस्थमा, मैग्नीज, जिंक, पोटेशियम की कमी से। इसके अलावा ब्रिटल नेल्स है, बर्थ डिफेक्ट्स है, कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, फटीग का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। यानी कि हमारे घर में जो 20 से ज्यादा तरीके के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कुछ डिसऑर्डर तो विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन कुछ डिसऑर्डर जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वो डिसऑर्डर जो होते हैं वो मिनरल की कमी से होते हैं। अब आप मुझे बताइए, सुबह से लेकर शाम तक जो आप खाना खाते हो वो क्या देख करके खाते हो, कि किस चीज के अंदर क्रोमियम, वेनेडियम, जिंक है, किस चीज के अंदर सेलेनियम है, किस चीज के अंदर कैल्शियम है, किस चीज के अंदर पोटेशियम है, क्या ये चेक करके हम भोजन करते हैं? नहीं। क्या चाहकर भी इतने सारे मिनरल्स को हम लोग ले सकते हैं? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि मिनरल्स का स्रोत क्या है, मैंने आपको बताया ताजे फल और सब्जियां। लेकिन बहुत, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले 1 महीने से कोई फल नहीं खाया होगा, तो समझ जाइए जब फल नहीं खाया है तो मिनरल्स मिले नहीं। इसके अलावा मिनरल का सबसे सस्ता स्रोत है हमारे पास पानी। मिनरल का सबसे अच्छा स्रोत है हमारे पास पानी, शुद्ध पानी। मैं क्या बात कर रहा हूं, शुद्ध पानी। उसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, कॉपर है, फ्लोराइड है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। ये पोषक तत्व, ये मिनरल्स हमें किससे मिल जाते हैं? पानी से मिल जाते हैं, शुद्ध पानी। लेकिन आजकल का पानी कैसा आता है? पानी के हमारे पास दो सोर्सेस हैं। सबसे पहला जो घर में सरकारी पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर क्या आने लग गया आजकल, फ्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा और भी बहुत सारी रासायनिक अशुद्धियां उसके अंदर मिलकर आने लगी है। या फिर हमारे पास पानी का दूसरा स्रोत होता है बॉटल वाला पानी या आरओ का पानी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जिन घरों में सरकारी पानी आता है, गवर्नमेंट का पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका अगर हम सेवन करें तो फ्लोराइड की बहुत अधिक मात्रा, बहुत सारी रासायनिक अशुद्धियां हमारे शरीर में जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। और हमने क्या किया, इसका एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या निकाला, हमने अपने घरों में एक मशीन लगाई जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जिसको बोलते हैं। आरओ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, पानी को साफ रखने के लिए, पानी के अंदर की रासायनिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग आरओ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्तों को यह नहीं पता होगा कि आरओ एक मशीन है, और आरओ का जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम उस मशीन को एक कमांड देते हैं कि पानी को साफ कर दो। लेकिन मशीन क्या करती है, दूषित पदार्थों को हटाते हुए ये प्रक्रिया उन खनिज पदार्थों को भी हटा देती है जो प्राकृतिक रूप से पानी में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यानी कि हमारा जो आरओ है घर में या जो बोतल का पानी हम लोग पी रहे हैं, उस पानी के अंदर किसी तरीके के मिनरल हमें नहीं मिलते हैं, यानी कि उस पानी को हम बोलते हैं डेड वाटर। और जब मिनरल शरीर के अंदर नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो मैंने आपको बताया
इसका सबसे बड़ा कारण है कि शरीर में मिनरल की कमी। सवाल उठता है सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के तौर पर कीवा का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है कीवा एसेंट मिनरल ड्रॉप। डियर फ्रेंड्स, कीवा एसेंट मिनरल ड्रॉप जो है एक ऐसा शुद्ध मिनरल का आपके लिए स्रोत है, मिनरल का एक ऐसा शुद्ध स्रोत है जिसका सोर्स कहां से लिया गया मैं आपको बता दूं। यूरोप के अंदर पृथ्वी की परत के लगभग 2 मील नीचे जो करोड़ों वर्ष से जो पानी है, जो ऐसी झीलें हैं जहां पे अछूता समुद्र तल के अंदर जो मिनरल उपलब्ध है, जहां पे प्रदूषण कम है, जो नेचुरल प्रकृति की तरफ से जो मिनरल पानी दिया गया है, उस 84 आयनिक प्रेस मिनरल से इस ड्रॉप को बनाया गया है। और इस ड्रॉप के सेवन से मिनरल की कमी से होने वाली 900 से अधिक बीमारियों से आप लोग लड़ सकते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर 84 तरीके के मिनरल्स हैं जिनकी जानकारी, जिनके नाम आपको यहां पर दिए गए हैं। जिन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से, जिन मिनरल की वजह से इतने सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, हीलियम है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, उसके अलावा क्लोरीन और इतने सारे, जितनी भी मैं आपको बात करूं, जो भी मैंने आपसे बात करी, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस ड्रॉप का हम लोग सेवन करते हैं तो जितनी भी समस्याओं के बारे में मैंने आपसे बात की, वो समस्याएं हमें नहीं होंगी, चाहे वो हमारे त्वचा संबंधी रोग हो, उनसे हम लोग बच सकते हैं। हमारे विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का ये काम करेगा। किसी भी तरीके का क्रैम्प्स का प्रॉब्लम है, जकड़न ऐंठन की समस्या, उससे हम दूर रहेंगे। स्ट्रेस तनाव से हम लोग बचेंगे। मांसपेशियों को ये क्रियाशील बनाएगा। हमारे मिनरल है, मल्टी विटामिन हम लोग लेंगे अगर डेली प्लस, और साथ में मल्टी मिनरल लेंगे, इम्यून सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। हार्मोनल प्रणाली को संतुलित बनाएगा, अच्छी नींद भी लाएगा। बीपी है, सर दर्द है, गठिया, इन सभी में ये बेहतर रिजल्ट देगा। हड्डियां हैं, जोड़ों संबंधी समस्याओं और दांत है, उनको मजबूत करने का काम करेगा। ब्लड शुगर लेवल को भी ये मेंटेन रखने का काम करेगा। न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम्स जो है उनमें भी ये बेहतर रिजल्ट हमें देगा। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना गया, और ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए और हमारे एनर्जी लेवल को, क्योंकि मिनरल होंगे तो बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, हम एक्टिव रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, चुस्ती फुर्ती शरीर में रहेगी, तो अधिक ऊर्जा के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। और हमारा ये प्रोडक्ट, इसको बहुत सारे पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, हलाल, WHO GMP और कौशल सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट है, और अंतरराष्ट्रीय GMP नियमों पे आधारित ये प्रोडक्ट, उन नियमों के तहत ये प्रोडक्ट बना है। सवाल ये उठता है हाउ टू यूज इट, कैसे इस्तेमाल करना है। तो 21 वर्ष से ऊपर आयु के लोग प्रथम सप्ताह 4-4 बूंद और अधिकतम चौथे सप्ताह से 10-10 बूंद इसका सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी 21 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, फर्स्ट वीक, क्योंकि 84 मिनरल्स हैं, 4-4 बूंद सुबह शाम, फिर 6, फिर 8 और चौथे सप्ताह, यानी एक महीने के अंदर अंदर हम इसको 10-10 बूंद सुबह शाम से लेके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके सिर्फ हमें आंतरिक लाभ इसके नहीं है, इसके कुछ हमें और भी लाभ है, लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है इसके साथ कि हमें इसको बेहतर परिणाम के लिए दो बार लेना है, सुबह शाम लेना है, खाली पेट हम इसको ले सकते हैं। कांच के गिलास में ही इसको लेना है, किसी धातु के गिलास में इसको नहीं पी लेना है, और घूट घूट करके पीना है। ये नहीं कि एकदम डाला और एकदम से पी गया, नहीं, घूट घूट करके मुंह में पूरा घुमा के, ताकि हमारे दांतों को भी ये फायदा दे, हमारे मुंह को भी फायदा दे। तो दांतों के चारों तरफ हमारे मुंह में इसको घुमा के धीरे धीरे घूट घूट करके हमें इसको पीना है। किसी भी धातु या स्टील के गिलास में हमें नहीं लेना है, चम्मच का भी उपयोग नहीं करना है, कांच के गिलास में हमें इसका सेवन करना है। किसी भी गर्म पदार्थ, चाय, भोजन, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर इसको हमें नहीं मिलाना है। और अगर अपनी बॉडी को आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, अगर आप बॉडी को साफ रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को कहते हैं अपनी बॉडी से विषाक्त पदार्थों को निकालना चाहते हैं, तो इसके अंदर पानी का सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए। यानी इसको लेने के बाद शरीर दिन में 2-3 गिलास आपको एक्स्ट्रा पानी भी लेना चाहिए। इसकी ज्यादा से ज्यादा एक महीने बाद आप इसकी मात्रा 10 बूंद रख सकते हैं। अगर आपको कोई और समस्या है, गठिया का प्रॉब्लम है, मधुमेह यानी डायबिटीज प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, तो आप इसकी अधिकतम मात्रा 25-30 बूंद तक कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो जो मात्रा मैंने आपको बताई, इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को हम लोग ध्यान रखें, और इसको आंख, नाक और कान में नहीं डालना है, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आपको कहीं बाहर कहीं दर्द हो रहा है शरीर में, तो
तो आप इसके स्किन के ऊपर आप इसकी मालिश भी कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप नहाने के बाद अगर आप चाहो तो इसकी 10 बूंदों को शरीर पे भी लगा सकते हो, क्योंकि मल्टी मिनरल है जो हमारी बॉडी को मिल रहे हैं। कहीं भी अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है या कोई भी समस्या है तो आप इसका बाहर से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें इसके मिलेंगे। तो आप जितना चाहो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप तलवों में मालिश कर सकते हो, पैरों में मालिश कर सकते हो, बस आंख कान और नाक के डायरेक्ट इसमें हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट और बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें इस प्रोडक्ट के डियर फ्रेंड्स मिलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रोडक्ट जिसका नाम है अकाई। आप लोगों ने अक्सर ऐसा सुना होगा कि डॉक्टर जब ट्रीटमेंट देता है तो साथ में एक एंटीबायोटिक जरूर देता है, तो मतलब मैं उस तरीके से आपको एक समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, एक हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ हाई एंटीऑक्सीडेंट नहीं, बहुत सारे और भी स्वास्थ्य लाभ हमें इस प्रोडक्ट से मिलते हैं। क्या है डियर फ्रेंड्स? अकाई। अकाई बेसिकली एक बेरी होती है डियर फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा अकाई के साथ साथ और भी बहुत सारे चीजें इसके अंदर मौजूद है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कीवा अकाई जूस के अंदर अकाई के साथ साथ लगभग 21 फलों का एक अनूठा मिश्रण इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये हमारे शरीर को, ये मानव शरीर को सारे के सारे स्वास्थ्य लाभ जो है और उसके हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंदर सभी गुणकारी फलों का सघन रूप, यानी कि उसका जो है लिक्विड फॉर्म है लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये हमारे यहाँ मौजूद है। अकाई बेसिकली आता कहां से? दक्षिण अमेरिका में जो वर्षावन है, सैकड़ों वर्षों से अकाई बेरी के फलों का, वहां के अकाई बेरी फलों का इस्तेमाल चिकित्सा के रूप में किया जाता है। हमारा ये प्रोडक्ट भी उसी अकाई बेरी से बना है, लेकिन कैसे बना है? अकाई बेरी को वहां से तोड़ा जाता है और उसके बाद उसके अंदर जो नमी होती है फ्रूट के अंदर, उस नमी को निकाला जाता है और फ्रीज ड्राई फॉर्मूले के द्वारा उसको निकाला जाता है और उसको फ्रीज ड्राई कर दिया जाता है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि उसके पोषक तत्व उसके अंदर बरकरार रह सके और उसी से हमारा ये जो जूस है अकाई जूस बनकर के तैयार हुआ है। डियर फ्रेंड्स, अकाई जूस की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि अकाई जूस हमारे शरीर के हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और 21 से ज्यादा फलों का मिश्रण इसके अंदर मौजूद है। गर्मियों के मौसम में अक्सर मैंने देखा है लोगों को, लोग मौसमी का जूस, अनार का जूस, मैंगो शेक, ये बनाना शेक, पपीता शेक, तमाम चीजों का सेवन करते हैं। आप थोड़ा सा स्टडी करके देखिए, मौसमी का गिलास 40-50 रुपए का मिलता है, क्या मिलता है हमें? सिर्फ उससे विटामिन सी मिल गया और कुछ हमें मिनरल्स मिल गए। लेकिन अकाई जूस अगर 15 से 20 ml अगर हमने ले लिया तो सोचिए हमें 21 से ज्यादा फलों का जूस हमें मिल जाता है। इसके अंदर कोई भी कृत्रिम स्वाद और स्वीटनर नहीं है। मार्केट के अंदर आप जूस पीते हैं तो कुछ ना कुछ चीनी, उसके अंदर और भी चीजें, स्वीटनर ऐड किया जाता है। कोई चीनी नहीं है, कोई दूध नहीं है, कोई लैक्टोज नहीं है, कोई ग्लूटेन नहीं है, कोई गेहूं, कोई खमीर, कोई कुछ भी नहीं। सोडियम फ्री प्रोडक्ट है ये हमारा, इतना बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है। इसकी हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, हमारे रक्त प्रवाह को बेहतर करता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, यानी कि हम जवान दिखेंगे, हमारा एनर्जी लेवल अच्छा दिखेगा, हम 30 साल के हैं तो 30 साल के ही दिखेंगे, त्वचा अच्छी दिखेगी क्योंकि विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं वो गुड फैट्स पाए जाते हैं, तो हमारे कहते हैं ना गुड कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर होता है, तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को ये नियंत्रित रखने का काम करता है। उसके अलावा मांसपेशियों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है इसके लिए, और हमारे हार्ट के लिए बहुत बेहतर माना गया है, और ओवरऑल हमारे हार्ट का जो फंक्शन है उसके में ये बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है तो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, और उसके अलावा कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से भी हमारे शरीर को बचाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती है, और स्पेशली जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट मैं कहता हूं एक तरीके से बेहतरीन है और बहुत ही शानदार है। इसके अलावा नियमित तौर पर अगर हम इसको लेते हैं तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, लोगों का वजन भी नियंत्रित रहता है, हृदय रोग का बचाव भी करता है, एनर्जी लेवल को भी बनाए रखता है, तो इतने सारे फायदे होते हैं, तो हमारी एज जो है वो बनी रहती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर है। इसके अलावा स्किन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं बेहतर है, कोशिकाओं के लिए सेल्स को ताकत देने का ये काम करता है, फ्री रेडिकल के अटैक से बचाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है हाई एंटीऑक्सीडेंट है, तो कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से
हमारे शरीर की रक्षा करेगा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, पाचन शक्ति को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा बीपी के लिए पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाएगा, दिमाग को बेहतर रखेगा, कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखेगा। लेना कितना है, 18 साल से अधिक उम्र के लोग 1 से 3 दिन 5 ml और उसके 7वें दिन से 15-15 ml सुबह शाम इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें इन तीनों प्रोडक्ट से मिल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछले लगभग 55 मिनट से आप लोग आज के इस पूरे सेशन को अटेंड कर रहे थे, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, मैंने तीनों प्रोडक्ट को आपको बताया कि किस तरीके से हम इन प्रोडक्ट को ले सकते हैं। एक है मल्टी विटामिन, एक है मल्टी मिनरल और एक है हमारा एक हाई एंटीऑक्सीडेंट, और तीनों प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बेमिसाल, एक मैं कहता हूँ बेमिसाल कॉम्बिनेशन हो जाता है जो हमें इतने सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से बचा सकता है। आप चाहे कोरोना का से अपनी कोरोना के अंगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखना चाहते हो, चाहे किसी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से बचना चाहते हो, मैं कह रहा हूं जितने भी यहां पर लोग हैं हर व्यक्ति को उसका सेवन करना चाहिए, हर व्यक्ति उसको ले सकता है, बहुत ही बेहतरीन चीज। और कब नहीं, कैसे, क्या क्या चीजों के साथ नहीं लेना है, ये ऑलरेडी चीज मैंने आपको बताई दी है। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज की इस ट्रेनिंग से हम अपने और अपने परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप करते हैं अपने स्वास्थ्य से प्यार, तो कीवा के इस कॉम्बिनेशन से आप नहीं कर सकते हैं इनकार। तो अगर आप इनकार नहीं करना चाहते, अगर आप अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हैं, तो आप कीवा के शानदार कॉम्बिनेशन से इनकार नहीं कर सकते। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट एंड डियर फ्रेंड्स, और जितना चाहो आप हर किसी को इसको देके बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ ले सकते हो। और मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको एक लाइन भी कही थी कि अगर किसी को रिजल्ट ना मिले, जिसने ये पहले प्रोडक्ट लेने से पहले कोई चेकअप करा रखा है, प्रोडक्ट लेने के बाद ही अगर वो साबित कर देता है कि प्रोडक्ट लेने से कोई फायदा नहीं होता, तो कंपनी उसको पैसा भी रिटर्न कर देगी, मनी बैक गारंटी भी आपको है। इतनी जिम्मेदारी, इतने कहते ना विश्वास के साथ आप लोगों को प्रोडक्ट दें। इसके बारे में किसी से पूछना नहीं है, अप्लाइंग को फोन नहीं करना है, बिल्कुल तीनों प्रोडक्ट एक साथ देने। लोग पूछ रहे हैं तीनों प्रोडक्ट एक साथ देने, बिल्कुल जब ट्रेनिंग प्रोडक्ट कॉम्बो एक साथ है तो तीनों प्रोडक्ट 15-15 मिनट के अंदर पे हम लोग ले सकते हैं, है ना। बाकी डिटेल आप लोगों के पास है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप ट्रेनिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ट्रेनिंग को आपने समझा होगा, आज की जानकारी आपने समझी होगी, और उम्मीद करता हूं कि आज की ये मीटिंग, आज का ये वेबिनार आपको पसंद आया होगा। क्या आपका कहना है, आप अपना फीडबैक चैट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। और आप लोगों का आज की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों का इतना प्यार और इतनी धैर्य के साथ आप लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया। कीवा की एंटायर टीम, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीक्यूटिव टू चेयरमैन, आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के मैसेज मुझे मिल पा रहे हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू, बहुत शानदार रहा, ग्रेट, थैंक यू, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी एक खास टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए कीवा के शानदार कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपके इम्यूनिटी के, आपकी सुरक्षा कवच को बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। तो आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, शुभ रात्रि, और इस क्लोजिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सपने इस कीवा के माध्यम से पूरे हों और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें आप लोगों को मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, शुभ रात्रि।